सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB का 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है ओवर, और अब आप लोगों को करना है चिल। कुछ टेंशन वेंशन मतलब यार, हो गया पेपर ख़त्म। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे अभी मतलब पेपर देते ही बहुत सारी डिस्कशन हुई होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों ने वीडियोज़ देख ली होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी अब तक, बिकॉज इट्स मतलब ऑलमोस्ट डे एंड हो चुका है। और तो ये जो वीडियो है ये आपको सिर्फ चिल मोड में थोड़ा चिटचैट करते हैं, क्या हुआ पेपर में, कैसे हुआ, मतलब पेपर में क्या हुआ वो नहीं, पर पेपर के बाद अब क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। सो आ जाओ। सो देखो भाई, एग्ज़ाम हो चुके हैं ओवर, अब आप लोगों को ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। तो अब एग्ज़ाम ओवर, अब चिल मोड अपना ऑन करो, फुल मस्ती वस्ती करो, घूमो खाओ, अब और कुछ नहीं करना। देखो, YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आ चुके होंगे, आपके पेपर एनालिसिस हो चुका होगा बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे उनके प्रोडक्शन तक इवन दो स्टार्ट हो चुकी होगी, कितना मॉडरेट था, क्या था मॉडरेट, तो खैर आप मुझे बताओ पेपर कैसा आया था। बहुत मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप लोग क्वेश्चंस बताओ कि अगर आपको कौन से क्वेश्चंस में डाउट लगता है और आपको प्रॉपर क्वेश्चन याद है तो आप मुझे बता सकते हो, हम देखेंगे कि हमें किस तरीके मतलब वो क्वेश्चंस कैसे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता कि अभी वो स्टेज है कि आप लोग अभी पेपर डिस्कस करो। पेपर मतलब आज का पूरा दिन आप लोगों ने ले लिया, मतलब 19 वाला दिन आप लोगों ने पूरा ले लिया, आपने मतलब मस्त लोगों से डिस्कस किया होगा, अपने फ्रेंड्स से पूछा होगा, टेलीग्राम चैनल्स भर रहे हैं मस्त एकदम फुल से, और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, तो ठीक है आपने देखा बहुत है आपने। अब मैं आपको सही बताऊँ, मत सोचो पेपर के बारे में, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को कितना भी आपने सोच लेना है, कुछ नहीं होगा अब, क्योंकि पेपर तो आपने दे दिया, आपकी प्रिपरेशन तो ख़त्म। अब तो बच्चे जिन्होंने इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको अब मतलब एग्जाम से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। इससे पहले आपके हाथ में बहुत कुछ था, कल तक आपने जो करना था कर लिया, सुबह एग्जाम दिया, सब दिमाग से चिल आउट करो, छोड़ दो नाओ, मतलब कोई वीडियो नहीं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग्स में तो अब आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी नहीं, यूट्यूब पर मस्त घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब देखते रहो जो देखना है, ठीक है। कोई पेपर एनालिसिस मेरे को ऐसा लगता है कि इस स्टेज पर मत देखो, क्योंकि जब एंट्रेंस होता है ना तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी हर क्वेश्चंस को गलत सही दिखाया जाएगा और बताया जाएगा क्या आंसर होना चाहिए, विच इज़ गुड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन वीडियोस को मत देखो, मतलब ये है कि यार देखो अभी देखोगे ना तो मेरे हिसाब से सिर्फ टेंशन इंक्रीज होगी। बहुत सारे बच्चे होंगे कि यूट्यूब पर वो आंसर बताया जा रहा और आपने वो आंसर नहीं टिक किया तो आपको टेंशन हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी। आई गेस कोई ज़रूरत नहीं है यार, हो चुका है अब, जो हो चुका है अब, आप बेसिकली मेनली वेट करो अपने आंसर की, का कुछ मत सोचो कि क्या है पेपर कैसा आया था, क्या हुआ था, मैंने क्या करके आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार पेपर तो मतलब प्लस है, अच्छा गया है, एडमिशन तो हो ही जाने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक ब्रो, कुछ भी करो मस्त, टेंशन नहीं। बट अगर आप लोगों को लगता है कि यार पेपर अच्छा नहीं गया और नहीं हुआ, मतलब अगर आप श्योरिटी के साथ हो कि भाई 100% नहीं होने वाला, कुछ नहीं करके आया मैं, बस अटेम्प्ट ही नहीं किया मैंने क्वेश्चन, अगर उस सिचुएशन में और लॉ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ देखना शुरू कर दो, बिकॉज और वैसे तो मैं भी सही बताऊँ वो भी छोड़ दो यार, क्योंकि ना पेपर जो है ना आपका आंसर की आता है उस अकॉर्डिंग्स में पता चलेगा, फिर उसके बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज होंगे, उसके बाद आपका क्या कहते हैं उसके बाद आप लोगों का आएगा कट ऑफ, तो क्या पता आपका नंबर आ जाए, तो मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रखो जब तक एडमिट कार्ड कह रही हूँ, जब तक आप लोगों का स्कोर कार्ड ना रिलीज हो जाए, स्कोर कार्ड के बाद आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, तो स्कोर कार्ड तक का वेट करो। और अभी तो खैर अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो भी आपको अपने आंसर की का वेट करना है। और जिस भी बच्चे को लग रहा है कि यार हो जाएगा बढ़िया, नहीं लग रहा है नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, और एग्जाम ट्राई करो, और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देख लो, अभी तो आई गेस ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं डन, बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कोई यूनिवर्सिटी बची है जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, वैसे तो मुझे जनरली नहीं पता कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटी बची है, तो अगर आप लोगों को मिल रही है तो कर लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन दे देंगी। और हम बात करेंगे कि अगर ड्यू LLB नहीं मिलता है, ड्यू में एडमिशन नहीं होता है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के तरफ जा सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और क्या बात कर सकते हैं। हाँ तो मतलब मेरे को इस वीडियो में इतना ही कहना है, छोटी सी वीडियो थी, और इस वीडियो में यही बोलूँगी कि गाइस कोई भी यूट्यूब पर मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी मत देखो, बट स्टिल अपने आप को चिल करो, कोई टेंशन नहीं है, अब तो दे दिया है पेपर, कुछ भी सोच लो कुछ नहीं होने वाला है ना। अपनी टेंशन को कम करने के लिए थोड़ा सा इंजॉय कर लो, घूम लो, जाके खा पी लो, ऐश करो, दोस्तों से नहीं मिलोगे दोस्तों से मिल लो, और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। मतलब हम लोगों ने एंट्रेंस दिया था तो हम लोगों ने भी बस यही किया था, और बस फिर आज की वीडियो में यहीं तक, देखते हैं कि अब आप लोगों का कब तक आंसर की रिलीज होती है। और गाइज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि हाँ पेपर का लेवल क्या था, बिकॉज उस चीज़ से हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ यार
क्या हो सकता है आगे, है ना। तो पेपर का लेवल क्या था, मैं चाहूँगी आप मुझे अपना लेवल बताना, अपना नहीं मतलब पेपर का लेवल क्या था, कि आपको क्या लगता है पेपर कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था, कि ईजी था, और ईजिली अटैम्प्ट किया जा सकता था बट नहीं हो पाया, और या फिर हो गया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा पेपर था या फिर कम बेकार पेपर था, और जो भी चीज़ें हैं मुझे ना रिव्यू चाहिए आप लोगों के। तो प्लीज़ अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और देन फिर मिलता है और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।